नमस्कार, चढ़ती कला टाइम टीवी की टॉप 10 खबरों में मैं सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूं। पेश है आज की टॉप 10 खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल पहुंचे, जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत कई नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राहुल गांधी ने केरल पहुंचते ही कई बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। राहुल ने लगातार केरल बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केरल के साथ प्रधानमंत्री भेदभाव कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन अकालियों ने दिल्ली दंगों पर राहुल के बयान को लेकर जमकर हंगामा किया, जबकि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके आरोपों को जोरदार ढंग से नकार दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले अकाली विधायकों ने विधानसभा के बाहर स्टॉल लगाकर जस्टिस रंजीत सिंह की लीक हुई रिपोर्ट की कॉपी को 10 रुपए में बेचकर अपना विरोध भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज दिल्ली में 15 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिशन 2019 के लिए मंथन कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में देश के 5 राज्यों की अहम भूमिका रही थी। मौजूदा दौर में इन 5 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी की वापसी का सारा दारोमदार इन्हीं राज्यों पर है। एम के स्टालिन को द्रमुक का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी के संस्थापक सीएन अन्नादुरई और पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बाद वे तीसरे अध्यक्ष होंगे। करुणानिधि के निधन के बाद स्टालिन और उनके बड़े भाई आलागिरी के बीच में टकराव की खबरें आ रही थी। पार्टी से बर्खास्त आलागिरी ने दावा किया था कि मेरे पिता के प्रति निष्ठा रखने वाली पार्टी के सभी लोग मेरे साथ हैं। स्टालिन और आलागिरी दोनों ही करुणानिधि की पहली पत्नी दयालु के बेटे हैं। सितंबर में प्रदेश का सियासी पारा उफान पर होगा। कांग्रेस इनेलो ने कुरुक्षेत्र भूमि में रैलियां करने का ऐलान कर दिया है। 8 सितंबर को इनेलो ने हरियाणा बंद का ऐलान किया है, जबकि ठीक अगले दिन कुरुक्षेत्र भूमि में इनेलो में कांग्रेस की रैलियां होंगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जन क्रांति रथ यात्रा के 6 चरण की शुरुआत 9 सितंबर को कुरुक्षेत्र से करने जा रहे हैं। फर्रुखाबाद जिले के ग्राम पंचायत अलादपुर भटोली में ग्रामीणों को रामगंगा नदी की बाढ़ ने बेघर कर दिया है। ग्रामीणों को जब सरकार द्वारा भोजन मुहैया करवाया गया तो उन्होंने कहा कि हमें भोजन नहीं, रहने के लिए आवास चाहिए। इस गांव के ग्रामीण काड़का बांध पर पॉलीथीन डालकर रहने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट किया। ये ब्लास्ट पुलवामा के नोरपारा इलाके में किया गया। आतंकी लगातार सेना को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शनों को पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर श्राइन बोर्ड विशेष इंतजाम करने जा रहा है। घोड़े व खच्चरों का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को हेलमेट व अन्य सुरक्षा संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। यात्रियों को स्थानीय घोड़े खच्चर वालों की लूट खसूट से बचाने के लिए घोड़ों व खच्चरों पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाए जाने की योजना है। कश्मीर पर समाधान की शुरुआत पाकिस्तान की कमान संभालने के बाद इमरान खान ने भारत से विवाद के सबसे बड़े मसले कश्मीर पर समाधान की शुरुआत का दावा किया है। इमरान सरकार में मंत्री शरीन माजारी ने बताया कि कश्मीर का हल तलाशने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। महिला बैडमिंटन के सिंगल्स मुकाबले में भारत की पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। फाइनल मुकाबले में सिंधु को चीनी ताइपे के खिलाड़ी ताई जूयिंग ने एक तरफा मुकाबले में हरा कर गोल्ड मेडल जीत लिया। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।